स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर था में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो स्कीमों का और इन दोनों का कंपैरिजन करके चेक करेंगे कि इन दोनों ही स्कीमों के अंदर अगर आप हज़ार रुपये महीना SIP शुरू करते हैं तो इनमें से एक स्कीम SBI की है जिसके अंदर आप करीब 8 करोड़ 19 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं टोटल इसके अंदर SIP के थ्रू 360,000 रुपये निवेश करके, यानी कि हर महीने आपको सिर्फ 1,000 रुपये का निवेश करना है। और दूसरी स्कीम हमारे पास है कोटेक की, इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये महीना निवेश करते हैं तो इस स्कीम के अंदर आप करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं, जबकि SIP के थ्रू जो आप टोटल निवेश करेंगे वो सेम होगा 360,000 रुपये का। तो दोस्तों आज हम इन दोनों ही स्कीमों का कंपेरिजन करके चेक करेंगे कि किस स्कीम के अंदर निवेश करना इस वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले जो स्कीम हम लेकर आए हैं उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। रिटर्न की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम का रिटर्न 26.39% है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्कीम ने 18.82% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 32.28% है और 1 साल की बात की जाए तो स्कीम का रिटर्न 9.12% है। जबकि दोस्तों दूसरी स्कीम जो हम लेकर आए हैं वो है कोटेक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने 20.29% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 18.40% है। 3 साल की बात की जाए तो स्कीम ने 35.58% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न -1.40% है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है NAV का प्राइस, यानी कि नेट एसेट वैल्यू का प्राइस। अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस वक्त 127 रुपये का इसका NAV का प्राइस है। स्कीम की रेटिंग की अगर बात की जाए तो 4 है और फंड साइज 12,824 करोड़ रुपये है। मिनिमम SIP की बात की जाए तो आप 500 से SIP शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों NAV का प्राइस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एक यूनिट प्राइस होता है, यानी कि SIP के थ्रू हर महीने जो भी आप पैसे निवेश करेंगे इस प्राइस के हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर कोटेक स्मॉल कैप फंड के NAV की, यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 186 रुपये का। स्कीम की रेटिंग 4 है और फंड साइज 8,468 करोड़ रुपये है। अगर हम मिनिमम SIP की बात करें तो इसके अंदर आप 1,000 रुपये महीना से SIP शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम होल्डिंग पर नज़र डालें कि यहाँ पर आपका पैसा किन स्टॉकों में निवेश किया गया है, सबसे पहले अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें यहाँ पर आपका पैसा टोटल 51 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर निवेश किया गया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर करीब 5.9% का एसेट है। अगर वेदांत फैशन की बात की जाए तो करीब 3.7% का, ब्लू स्टार के अंदर 3.5%, फाइन ऑर्गेनिक के अंदर 3.4% और राजरतन ग्लोबल के अंदर करीब 3.1%। ये कुछ टॉप होल्डिंग हैं जो हमने आपको बताई हैं। इसी तरह की स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कोटेक स्मॉल कैप फंड के होल्डिंग की तो यहाँ पर टोटल 72 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पैसा निवेश किया गया है स्मॉल कैप कैटेगरी के। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, गैलेक्सी, शीला फोम, रत्मानी मेटल्स, सीएंट, गैरवे टेक्निकल फाइबर्स, दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अब दोस्तों एक और चीज़ होती है म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो, यानी कि म्यूचुअल फंड्स स्कीम का खर्चा। अगर हम बात करें यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड की तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का, जबकि अगर हम बात करें कोटेक स्मॉल कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो यह है यहाँ पर 0.59% का। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की तो SBI स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं R श्रीनिवासन और मोहित जैन, जबकि कोटेक स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं पंकज टिब्बरवाल और अर्जुन खन्ना। दोस्तों अगर बात की जाए SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में रैंक 1 है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 29 जून 1987 को और कंपनी के पास AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 6,43,285 करोड़ रुपए है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं SBI के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए कोटेक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में रैंक 5 पर है। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 2,85,392 करोड़ है और कंपनी स्टार्ट हुई थी 5 अगस्त 1994 को। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, दोनों ही स्कीम का कंपेरिजन करके हम चेक कर सकते हैं। एक स्कीम का रिटर्न SBI स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम का रिटर्न है करीब 26%, लेकिन आने वाले टाइम में स्कीम अगर आपको सिर्फ 25% का रिटर्न देती है, जबकि दूसरी स्कीम कोटेक स्मॉल कैप फंड इसका ऑल टाइम का रिटर्न है 20.29% और ये स्कीम आपको आने वाले टाइम में देती है रिटर्न सिर्फ 20% का। तो कैसे इसके अंदर आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, अब दोनों ही स्कीम का एक बार कैलकुलेशन करके भी हम समझते हैं।
तो दोस्तों ये दो SIP कैलकुलेटर हैं हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास SBI स्मॉल कैप फंड का SIP कैलकुलेटर। यहाँ पर आप 1000 रुपये SIP शुरू करते हैं, जैसे कि रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है 25% का। यहाँ पर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 5 साल के लिए, तो आप 1000 रुपये हर महीने के हिसाब से टोटल इसके अंदर 60,000 रुपये का निवेश करेंगे 5 साल के अंदर। आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 59,844 रुपये का होगा, यानी कि 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,19,844 रुपये होंगे। और दोस्तों दूसरा SIP कैलकुलेटर है हमारे पास कोटेक स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पर भी अगर आप लगातार 1000 रुपये महीना SIP शुरू करते हैं, स्कीम का रिटर्न ऑल टाइम 20% है, लेकिन हम 19% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप SIP शुरू करते हैं 5 साल तक, तो टोटल आप इसके अंदर इतना ही पैसा जमा करेंगे, यानी कि 60,000 रुपये। यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 40,506 रुपये का होगा। टोटल 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,506 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 10 साल के लिए, तो इस पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 4,12,805 रुपये का होगा। 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 1,20,000 रुपये का निवेश करेंगे। 10 साल के बाद आपके पास करीब 5,32,805 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें कोटेक स्मॉल कैप फंड की, अगर आप 10 साल तक लगातार SIP करते हैं तो टोटल पैसे भी आप इतने जमा करेंगे, यानी 1,20,000 रुपये। एस्टिमेट रिटर्न आपको मिलेगा 2,38,457 रुपये का। 10 साल के बाद आपके पास होंगे करीब 3,58,457 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर 15 साल तक SIP कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आप 1000 रुपये महीना के हिसाब से 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे। रिटर्न आपको इसमें करीब 17,75,785 रुपये का होगा। 15 साल के बाद आपके पास करीब 19,55,785 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोटेक स्मॉल कैप फंड के अंदर नियम पर कंटिन्यू निवेश करते हैं 15 साल तक 1000 रुपये महीना, तो टोटल आप इसके अंदर 1,80,000 रुपये का ही निवेश करेंगे। रिटर्न आपको इसके अंदर 8,40,500 रुपये का होगा, यानी 15 साल के बाद आपके पास 10,20,500 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर 25 साल तक SIP कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 2,34,54,942 रुपये का होगा, यानी कि 25 साल के बाद आपके पास टोटल 2,37,54,942 रुपये होंगे। 1000 रुपये महीना जो आप SIP कर रहे हैं उसके हिसाब से टोटल आप 3,00,000 रुपये का निवेश करेंगे। दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करें कोटेक स्मॉल कैप फंड के 25 साल की, तो टोटल आप 3,00,000 रुपये का ही निवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सिर्फ 67,80,608 रुपये का रिटर्न मिलेगा, और 25 साल के बाद आपके पास करीब 70,80,608 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर हम 30 साल की बात करें, तो टोटल 3,60,000 रुपये का निवेश करके आप SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर करीब 8,19,74,715 रुपये का फंड बना सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें कोटेक स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पर आप सिर्फ 30 साल में 3,60,000 रुपये का निवेश करके ही टोटल 1,82,73,119 रुपये का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिटर्न के हिसाब से दोनों ही स्कीम के अंदर फ़र्क है, लेकिन अगर रिस्क की बात की जाए तो दोनों ही स्कीम के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर एवरेज रिटर्न दोनों ही स्कीम अगर आपको सिर्फ 16% का देती हैं, तब भी दोस्तों आप इसके अंदर 1,000 रुपये SIP शुरू करके 88,00,000 रुपये तक का फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।